जी नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिजवान, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मेरठ कॉलेज मेरठ। ये बड़ा अच्छा विषय है कि आज के वर्तमान समय में पॉजिटिव सोच का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आज इस वैश्विक महामारी के दौर में पॉजिटिव सोच का, सकारात्मक सोच का महत्व पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, आज संचार के जितने भी साधन हैं, समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, सोशल मीडिया है, एक्चुअल मीडिया है, टीवी है, आपको हर जगह से रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों के बीमार होने की और कोरोना से उनके मरने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। तो कोई भी इंसान होगा उसके ऊपर इन बातों का बड़ा गहरा असर पड़ता है कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन के और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के दौर में अगर हम बीमार पड़ गए या हमारे परिवार में कोई आदमी कोरोना से ग्रसित हो गया तो कैसे उसका इलाज होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा। अब इन सब बातों का दबाव उसको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बड़े गहरे अवसाद में डाल सकता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और कोई भी प्राकृतिक आपदा, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे जलजला हो, या कोई बाढ़ आई जैसी चीज़ हो, इसमें जो इंसान स्वयं को स्थापित कर लेगा, स्वयं को नियंत्रित कर लेगा, अपने आप को स्थिर कर लेगा, बचेगा तो वही। और जो भी इंसान अपने आप को अव्यवस्थित कर लेगा, नियंत्रण खो देगा, बेवजह की भाग दौड़ शुरू कर देगा, उसका शिकार भी वही होगा। तो हम सबके लिए बड़ा आवश्यक है कि अपने आप को स्थिर रखें, ऐसे तमाम सारे काम करें जिससे कि हमें कहीं ना कहीं हौसला मिले। आप याद करिए कि इस पेंडेमिक के दौर में जब सब कुछ बंद है चारों तरफ, आपके पास कहीं बाहर समय व्यतीत करने का मौका नहीं है, तो आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो आप पहले करना चाह रहे थे और आज नहीं कर पा रहे थे। कोई अच्छी पुस्तक थी उसे आप पढ़ना चाह रहे थे, घर में बागवानी करना चाहते थे, घर में अपने कुछ ऐसे काम थे जो कि काफ़ी दिनों से अवेटेड थे। दोस्तों से बात करिए, कोई अच्छे पौधे लगाइए, कोई अच्छी रेसिपी जो आपको बनाने का शौक था इसे आप नहीं बना पा रहे थे उसे आप बनाइए, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करिए। ये वो काम है जो कि आप बहुत दिनों से शायद करना चाह रहे होंगे, तो इसमें टाइम बिताइए। और याद रखिए कि ये टाइम आपको ईश्वर ने इस बात के लिए दिया है कि आप ये सारे काम कर सकें जो आप बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि नकारात्मक बातें करते हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे इस तरह के ग्रुप्स जहाँ पे नेगेटिव बातें चल रही हों, उनसे फ़ौरन दूर कर लीजिए अपने आप को। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, उनसे पॉजिटिव बातें करिए, मजाक करिए और तमाम सारी वो बातें करिए, वो काम करिए जो कि आपको अच्छी लगती है, जो कि आपको खुश करती है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में एक शेर कहूँगा महेश्वर बदायूनी साहब का। तो उन्होंने कहा था इस संदर्भ में कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और दिए वही जलेंगे जिनमें होंगे हौसला। तो अपने हौसले को बना के रखिए, अपने जज्बातों को बटोर के रखिए, अपनों का साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।